भोलेनाथ मंदिर। उनके सेनापति काल भैरव को मदिरा शराब का दान चढ़ता हुआ शराब इसलिए पिलाते हैं अपने परिवार में काल कष्टों का निवारण होता है। तीनों गुरुओं के सेनापति है 21 बार कादिपति जिनको अनाज का दान चढ़ाते हैं, वहाँ पर अनाज का दान इसलिए चढ़ाते हैं अपने घर परिवार में कहीं मंगल की बाधाएं नहीं आई, हर काल मंगलमय हो इसलिए आप दान चढ़ाते हो। यहाँ दान चढ़ाने से उज्जैन यात्रा पूर्ण मंगलमय चलाती है। दान में चढ़ाते हैं गेहूं मसूर लाल कपड़ा श्रीफल पुष्प अपना नाम गोत्र बोलते चढ़ता है। नाम बोलते आपका प्रसाद लगता है, गोत्र बोलते पूरे परिवार का प्रसाद लगता है। पांच चीजें इस पर शोके घर के लिए मिलती है। उपरत्न मुंगे का माला है। घर परिवार में किसी का हल्का फुल्का मंगल, किसी की शादी नौकरी पढ़ाई रोजी रोजगार में दिक्कत आता हो गुस्सा करता हो चिड़चिड़ापन करता से पहनाते हैं या कि शुभ कार्य के लिए भाग जाओ पहन के आते कार्य मंगल यात्रा मंगल होती है। मंगल का यंत्र मिलता है। धन प्राप्ति के लिए दुकान ऑफिस गल्ले में कहीं भी रख सकते हो। भगवान के 21 नाम लिखे जो 21 कष्टों का निवारण करते हैं। लाल खेर का माला है। रक्त की शुद्धिकरण के लिए कोई पहन सकता है, इसका जाप भी कर सकता है। फोटो पूजा स्थान पर तो प्रसाद घर में बांटते हैं। इसमें से जो सामग्री आप नहीं लाना चाहो तो छोड़ कर सकते हो। श्रृंगारदान उज्जैन नगरी में एक ही मंदिर है जो आपके हाथों से प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ के अलावा कहीं हाथों से प्रसाद नहीं चढ़ता है और तीन जगह प्रसाद का महत्व है, महाकाल कालभर और एकापे। यहाँ दान चढ़ाने से उज्जैन यात्रा पूर्ण मंगल से चलाती है। ये संपूर्ण श्रृंगार है जो अपने परिवार को श्रद्धा आप आया आपके घर परिवार से जो छोटे बड़े लोग हैं उनका भी दान लगता है और जो बुजुर्ग हैं उनका भी दान लगता है। गोत्र से चढ़ता है संपूर्ण परिवार का प्रसाद 150 का है। सिंपल नाम राशि का प्रसाद 100 रुपये का आपकी जैसी इच्छा हो सकती पूरा प्रसाद। अच्छा ये पूजा हो रही नीचे। गणेश जी भोले बाबा के आगे नंदी नहीं है, भेड़ है। देखो यहाँ पे नंदी नहीं है। भोले बाबा यहाँ की वीडियो बहुत ज्यादा आती है। हाँ हाँ ये मिले आज यहाँ पे दूसरा मंदिर है। अब हम तीसरे मंदिर के प्रस्थान करेंगे।